जिसे कोई फ्री में ना खरीदे उस पर मुंबई इंडियंस ने लुटा दिए 15 करोड़ रुपए। अब खराब प्रदर्शन से कटवा रहा है मुंबई के नाक। जी दोस्तों, सही सुना आपने। तो ऐसे में क्या है इस खबर की पूरी जानकारी और कौन है वो खिलाड़ी, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपके लिए जानना बन जाता है बेहद जरूरी। तो दोस्तों, अंत तक बन रहे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, आप भी हो मुंबई इंडियंस के फैन तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्रिकेट के हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रह सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम खराब प्रदर्शन के चलते फैंस के निशाने पर बनी हुई है। जी दोस्तों, मुंबई ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेले हैं, और आपको यहां पर बता दें कि दुर्भाग्यपूर्ण वश इन तीनों ही मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, इसकी बड़ी वजह कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन भी रहा है, जो बेहतर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। जी हां, और हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। जी हां, 5 बार चैंपियन वाले मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 10वें स्थान पर है, और इसका बड़े जिम्मेदार 15 करोड़ वाला खिलाड़ी भी है, जो अपनी कीमत के मुताबिक कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। जी दोस्तों, वो 15 करोड़ वाला खिलाड़ी कोई और खिलाड़ी नहीं, मुंबई इंडियन में से एक खिलाड़ी है, जिसका नाम ईशान किशन है। जी दोस्तों, 2022 में 15 करोड़ में ईशान किशन को खरीदा था, तब से फ्रेंचाइजी उन्हें इसी उम्मीद के साथ रिटेन करती चली आ रही है कि शायद वह टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी हां, लेकिन ईशान साल 2024 में फ्रेंचाइजी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। इसके बाद वो आईपीएल में भी ऐसा करते आ रहे हैं। अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में ईशान किशन ने सिर्फ 0, 34 और 16 रन बनाए हैं। जी हां, मानो कि फ्री फोकट में हर साल फ्रेंचाइजी से 15 करोड़ की मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईशान किशन धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन आईपीएल 2024 में उम्मीदों से परे रहा है। जी हां, ईशान किशन ने अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में 15 से भी कम की औसत से रन बनाए हैं, जो ओपनर बल्लेबाज के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा गिरे से गिरे प्रदर्शन के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता। वह 3 मैचों में अपने खाते में सिर्फ 50 रन ही जोड़ पाए हैं। जिस तरह से वो लगातार निराश कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कप्तान हार्दिक पांड्या उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1-2 मैचों में ही अजमा सकते हैं, और उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिखाया तो प्लेइंग 11 से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जी दोस्तों, जबकि मुंबई इंडियंस के पास विकेट कीपर के तौर पर विष्णु विनोद नाम का खिलाड़ी मौजूद है, जिसे प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम में ईशान किशन की एंट्री साल 2018 में हुआ था, तब से लेकर अभी तक वह इस टीम के लिए निरंतर खेल रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या ईशान किशन को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्रिकेट की ऐसी ही खबर के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।